हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज्ड और मैं हूं कुशाल दलवार। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे यूआई यूएक्स के बारे में, यानी यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के बारे में। ये वीडियो सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए है जो कि यूआई यूएक्स की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी एक्सजी के बारे में, जो कि एक बहुत ही एडवांस टूल है और एडोबी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है सब डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स को। इस टूल की खास बात यह है कि ये वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन और डेवलप कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो की ओर, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोब एक्सजी के बारे में, और आज हम इसमें बनाना सीखेंगे कैसे आप एक प्रोटोटाइप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको किस तरीके का प्रोटोटाइप रेडी करना है। वो क्या किसी फोन के लिए है, वेब के लिए है, इंस्टाग्राम स्टोरी टाइप का है, या फिर आप एक अपने ही डायमेंशन से एक कस्टम साइज का रेडी करना चाहते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर आईफोन के लिए बनाएंगे, और यहाँ हम iPhone 6 के लिए बनाना चाहेंगे, जो कि iPhone 6 में देखिए यहाँ पर 6, 7, 8, Google Pixel, iPad, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, पर हम iPhone 6 के लिए बनाएंगे। और ये जो iPhone 6, 7, 8 है, इस कैटेगरी अंदर जाके हम 375x667 वाला पिक्सल साइज लेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही उस पर क्लिक करा, हमारे सामने एक आर्ट बोर्ड आ गया। यहाँ पर राइट में सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये लेफ्ट में कुछ टूल्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो इस आर्ट बोर्ड का हम नाम चेंज करेंगे, और इसको डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट करके हम नाम दे देंगे होम। तो यहां हमने इसको नाम दे दिया है, और अब इसके बाद सबसे पहले हम इस आर्ट बोर्ड का कलर चेंज करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीन स्टेप में काम होगा। सबसे पहले हम यहां डिजाइन करेंगे, उसके बाद जब हम अपना डिजाइन रेडी कर लेंगे, फिर प्रोटोटाइप में जाएंगे और इन पेजेस को जो भी हम बनाएंगे उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, देन हम उसको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, जो कि अभी व्हाइट है। तो वो चेंज करने के लिए हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि अपीयरेंस का यहाँ पे एक टैब आ रही है, जिसके अंदर हम यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा डार्क ग्रे की तरह रखना चाहेंगे, और ये मुझे ठीक लग रहा है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर एक इमेज को इंपोर्ट करूंगा, और उसके लिए मुझे यहाँ लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट में मेन्यू का जो आइकन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन नीचे यहाँ पर एक इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट के नीचे इंपोर्ट का जो टैब है इसको हम क्लिक करेंगे और इमेज को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने पहले ही निकाल के रखी हुई हैं। आप भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कुछ इमेजेस निकाल सकते हैं और उसको इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहां मैं फर्स्ट इमेज पे क्लिक करता हूं और इसको इंपोर्ट कर लेता हूं। फ्रेंड्स देखिए यहां पर ये इमेज आ गई है। अब इसको मैं सेट करूंगा अपने अकॉर्डिंगली। मैं इसको यहां टॉप पे रखना चाहता हूं, और इस इमेज को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस साइड में, ये जो इसके ऑप्शंस आ रहे हैं इसके थ्रू। तो यहां मैं, ये देखिए इमेज ज्यादा छोटी हो गई, तो मैं वापस इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूं। अब मैं यहां पर इसको अकॉर्डिंगली सेट कर देता हूं। तो ये इस तरीके से मेरी इमेज सेट होगी, और इसको कभी भी आप डबल क्लिक करके अकॉर्डिंगली अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां इस इमेज के बाद मैं चाहता हूं कि मैं इस पे कुछ टेक्स्ट भी लिखूं। तो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि यहां पे एक टेक्स्ट का आइकन आ रहा है, और उसका शॉर्टकट जो है वो टी है। तो यहां से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां जो मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूं, मैं कार्स से रिलेटेड बना रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इसकी जो हेडिंग टॉप दूंगा वो कार्स ही दे देता हूं। देन मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कम विजिबल है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज जो राइट में प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, और 20 की जगह मैं इसको 30 कर देता हूँ। नाउ क्योंकि ये ग्रे कलर में है तो बहुत ही कम विजिबल है, इसको मैं ब्लैक या व्हाइट कलर देता हूँ, जो भी इस पे इमेज पे सूट कर रहे। फिर ये वाइट थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं यहां से इसको बोल्ड कर देता हूं
प्रॉपर्टीज में रेगुलर की जगह बोल्ड, देन अगेन आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद आप अकॉर्डिंगली इसको किसी प्लेस पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये यहां पर कर रहा हूं, या फिर शायद यहां पे और अच्छा लगे। तो अपने नीड और डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको किसी भी तरीके से किसी भी साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको सिलेक्ट टूल को सेलेक्ट करना है, आप या तो ये टूल बार से कर सकते हैं, या फिर इसका जो शॉर्टकट है वो वी है, उसको आप प्रेस करके इसको ले सकते हैं। देन अब इसके नीचे मैं चाहता हूं कि कुछ और टैब्स आए, तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूं और अकॉर्डिंगली एक रेक्टेंगल को क्रिएट करता हूं। देन अगेन वी प्रेस करके मैं सिलेक्ट टूल पे लाके इसको सेट कर लेता हूं। अगेन मैं चाहता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है व्हाइट ना होके थोड़ा डार्क हो, और जो पहले बैकग्राउंड में हमने डार्क कलर लिया था उससे थोड़ा सा और ज्यादा मैं चाहता हूं कि ये डार्क हो। तो इस तरह से यहां से आप अगेन प्रॉपर्टीज में जाकर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप शायद देख पा रहे होंगे कि एक एजेस आ रही हैं इसके ऊपर, जो आप इसके टॉप और बॉटम में देख सकते हैं, जो हमने नया रेक्टेंगल बनाया है यहां पर और यहां पर। तो अगेन मैं इसको वापस सिलेक्ट करता हूं और यहां से बॉर्डर को ऑफ कर देता हूं, और अब अगर आप देखेंगे तो वो जा चुकी हैं। अब अगेन मुझे यहां पर एक इमेज चाहिए, तो मैं वही मेन्यू के आइकन पे जाके इम्पोर्ट करूंगा और एक नई इमेज को इम्पोर्ट करके इसमें ले आऊंगा। देन फिर से मैं ये जो है साइड से इसके जो ये टैब्स आ रही हैं, देन अगेन मैं साइड से इसको अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकता हूं जो मेरे को इसके अंदर चाहिए। आप भी अपने इमेज के अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको पूरा भी लगा सकते हैं, और या फिर मुझे ये लग रहा है कि जो इमेज है ये थोड़ी सी छोटी होकर थोड़ी बेटर डिस्प्ले में अच्छी लगेगी, तो मैं उसको उतना कर रहा हूं क्योंकि मुझे राइट में कुछ टेक्स्ट भी रखना है। और आप देखिए जब आप इसको मूव करेंगे तो ये ग्रीन और पिंक कलर से जो आइकन आ रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि इमेज मिडल में है या किस साइड कितना आप रख सकते हैं। देन अगेन मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और एक हेडिंग दूंगा। यहां मैंने इसको न्यू कार्स की हेडिंग दे दी है, पर मैं चाहता हूं कि फॉन्ट थोड़ा सा कम हो, तो मैं 30 की जगह 25 कर देता हूं। देन अगेन कंट्रोल जी से इसको अंडू करा और वी टूल से सिलेक्ट करके इसको मैं अगेन इन बार्स की हेल्प से मिडल में ले आऊंगा। यहां मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और कम हो, तो मैं इसको 20 का साइज दे देता हूं। ठीक है, फिर मैं दोबारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा और नीचे कुछ पैराग्राफ लिखूंगा जो कि मुझे और भी कम चाहिए, यानी कि उसका भी मैं हाफ कर देता हूं 10 पे। इसको सेट करते हैं। और यहां पे कुछ भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी हम एक रफ डिजाइन सीखने के लिए कर रहे हैं, तो मैं कुछ भी टेक्स्ट यहां पे दिस इज न्यू कार्स सेक्शन दे रहा हूं उसको। और क्योंकि ये फॉन्ट मुझे यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है और रीडेबल भी इतना नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइज भी बड़ा करूंगा और फॉन्ट भी चेंज करूंगा। अगेन इसका साइज बढ़ाने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट करा है और इसको मैं 12 का साइज देके देखते हैं। तो ठीक है ये साइज, बट फॉन्ट मुझे चेंज करना है, तो मैं यहां से फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूं। और अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अप एंड डाउन एरो कीज से इसको आप चेंज भी करके देख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है। दिस इज न्यू
कार्स सेक्शन में अगेन इसको अब आगे आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, और साथ ही अगर आपको इस तरह से ठीक नहीं लग रहा तो आप यहां पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे कि अभी लेफ्ट अलाइन हो रखा है, अगर इसको आप मिडल भी करके दे सकते हैं जैसे आपको बेटर लगे, आप उस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। अगेन वी प्रेस करके मैं इसको मिडल में थोड़ा सेट कर देता हूं। तो ठीक है, मुझे ये इस तरह से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। देन अगेन हमें जो नीचे स्पेस है वहां पर और दो सेक्शंस क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही इजी है इसके अंदर एडोबी एक्सट्री में, आपको पूरा शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है जिसमें आपका टेक्स्ट, इमेज और रेक्टेंगल सब कुछ सिलेक्ट हो गया है। आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड प्रॉपर्टीज में रिपीट ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है जिसको आपने क्लिक करना है, और आप देखेंगे कि यहां पर एक ग्रीन बॉर्डर लाइन आ गई है। तो सिंपली आपको इसको बस स्क्रॉल करना है नीचे की साइड, और देखिए बिल्कुल उसने सेम दोबारा क्रिएट कर दिया है। जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो वापस इसको ऑफ कर दीजिए। अब क्या है कि ये बन चुका है, और अगेन शिफ्ट प्रेस करके आप इसको पूरा सिलेक्ट करके थोड़ी सी इसको सेटिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। देन ये आपकी एक तरह से होम स्क्रीन रेडी हो गई है। अब आपको क्या करना है कि अभी भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर है, तो नीचे की टैब आपको जब इसमें कुछ भी आप टेक्स्ट या इमेज को चेंज कर सकते हैं, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। डबल क्लिक किया मैंने इमेज पर और राइट क्लिक करा तो मुझे एक रिप्लेस इमेज का ऑप्शन दिखेगा। अब मैं यहां पर इमेज चेंज कर सकता हूं, जस्ट मेरे को इमेज को सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट करना है, और देखिए ऑटोमेटिकली उसी साइज की वो इमेज वहां पर आ गई है। देन मुझे ये टेक्स्ट अगर चेंज करना है तो यहां पर मैं टेक्स्ट भी इजीली चेंज कर सकता हूं। इसको मेरे को नाम देना है इलेक्ट्रिक कार्स, और अगेन इसको मैं क्लिक करके सिलेक्ट टूल से सेट कर सकता हूं। नीचे का टेक्स्ट क्योंकि डमी है वो सेम रह सकता है, आप अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं उसको। अगेन जो दूसरी इमेज है उसको भी मैं ऐसे ही राइट क्लिक करके रिप्लेस इमेज और एक इमेज दे दूंगा, वो भी देखिए ऑटोमेटिकली उसने उसी साइज में खुद को एडजस्ट कर लिया है। बाकी आप डबल क्लिक करके इसके बॉर्डर पकड़ के आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देन अगेन इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे तो यहां पर हमारा मेन पेज जो इसका होम पेज है वो रेडी हो गया है। देखिए मैं बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जल्दी और रफली कर रहा हूं, आप इसको और बेटर भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी नेक्स्ट स्क्रीन बनाएंगे, उसके अंदर हम न्यू कार्स का सेक्शन देंगे। तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड पे जो टूल बार है यहां से आप आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहां आपने सिलेक्ट करके उसको आप ले आए, आपने क्रिएट कर दिया। देन न्यू कार्स का सेक्शन मैं देना चाहता हूं तो उसको मैं नाम भी दूंगा न्यू कार्स। अब अगेन मैं यहां पर चाहूं तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूं, बट मुझे ये नहीं करना, यही रखना है। पर मैं यहां पर एक इमेज लेके आना चाहता हूं जो कि मैंने न्यू कार्स में यूज की थी, तो उसके लिए अगेन मुझे लेफ्ट से मेन्यू बार के आइकन पर क्लिक करके इम्पोर्ट पे जाना है, और मुझे उस इमेज को इम्पोर्ट करके लेके आना है, और फिर मैं वी प्रेस करके सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करके इसको इमेज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूं। अब अगेन मैं नीचे हेडिंग देना चाहता हूं, एक टाइटल देना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना होगा, और यहां पे मैं इसको नेम दे दूंगा न्यू कार्स। और ये इसलिए हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये व्हाइट टेक्स्ट में है, जिसको अगेन हम यहां से चेंज कर सकते हैं। और अगेन मैं इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकता हूं, जो कि मैं 30 रखना चाहूंगा,
और फिर इसको वी टूल सेलेक्ट करके मैं प्लेस कर दूंगा मिडल में। और सेम वे से आप अगर इसका फोन चेंज करना चाहें या कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ प्रॉपर्टीज में से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं अगेन टेक्स्ट टूल लेके नीचे पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ, और पैराग्राफ ऐड करने के लिए मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट में ऊपर ही जो टूल है जो हमने ये बनाया था, जो स्क्रीन बनाई थी, इसमें से ही कॉपी करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। जस्ट मुझे डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है सबको, कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी, और फिर मैं वापस नीचे की स्क्रीन में आके कंट्रोल वी, तो आप देखेंगे उसी साइज का आ गया, जिसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं और यहां पे 30 की जगह 15 कर देता हूं, और फिर इसको अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को आप एडजस्ट कर देंगे। और अगेन आप इसका अगर साइज या कुछ भी चीज चेंज करना चाहते हो यहां से कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसको कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, तो ये आप नीचे उसका आगे और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बट क्योंकि इस जस्ट समझाने के लिए है तो आप इसको और सही कर सकते हैं। अब देखिए इस सॉफ्टवेयर की एक और अच्छी बात यह है कि अब मुझे दो स्क्रीन और बनानी, क्योंकि ऊपर मैंने न्यू कार्स के साथ इलेक्ट्रिक कार्स और यूज्ड कार्स की भी टैब क्रिएट की थी, तो उसके लिए मैं दो और बनाऊंगा। अगेन मैं आर्टबोर्ड लूंगा, यहां एक नया मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट किया, और उसके बाद मैं एक और आर्टबोर्ड को यहां पे क्रिएट कर दूंगा। अगेन मैं इनको पहले नेमिंग भी दे देता हूं, इलेक्ट्रिक कार्स एंड यूज्ड कार्स। नेमिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता रहता है कि आप इसमें क्या बना रहे हैं, और आगे जाके जब आपको इसको कनेक्ट करना होगा तो बिजी रहता है। अब देखिए जैसे हमने ऊपर किया था कि पूरा सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके हमें सिलेक्ट टूल सिलेक्ट किया, फिर पूरा हमने शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर लिया, देन अगेन हम इसको रिपीट ग्रिड को राइट हैंड साइड से प्रेस करेंगे, और ये देखिए आ चुका है, और इसको हम दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और इस तरह से सिलेक्ट करके हम इसको यहां पर ले आए हैं। अब वहां पर थोड़ा सा जो साइज आगे पीछे हो रहा है इसको हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है, जस्ट आपको सिलेक्ट करके इसको एडजस्टमेंट देनी, और ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि ये मिडल में है या कितना राइट लेफ्ट आपको करके इसको सेट करना है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा सेट कर दिया है। अब हमें बहुत ही माइनर चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमें इसकी इमेज चेंज करनी है, और इमेज अगेन जस्ट डबल क्लिक करके राइट क्लिक करना है और रिप्लेस इमेज कर देनी है, जैसा हम ऑलरेडी ये पीछे प्रोसेस में कर चुके हैं, इम्पोर्ट करके इमेज चेंज हो गई, और टेक्स्ट में वापस इलेक्ट्रिक कार्स इसको नाम दे दिया। नीचे का टेक्स्ट जो डमी कंटेंट है अभी, तो वो सेम ही रहने देते हैं, और अगेन इस इमेज को हम चेंज कर देंगे, और यहां इसको हम न्यू कार्स के नाम देते हैं यूज्ड कार्स का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजीली ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहां इमेज साइज थोड़ा सा ऊपर आ रहा है इसका, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से अब हमने इसको एडजस्टमेंट कर दिया है इमेज को भी, और ये ऑलमोस्ट इक्वल ही आ रही है। सो अब यहां पर हमारी डिजाइनिंग खत्म हो गई है, और हमने इस पैनल को पूरा कर लिया है जिसके अंदर यूज्ड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, न्यू कार्स हैं। तो अब ये हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट स्क्रीन में हम जाएंगे जो कि हमारा प्रोटोटाइप, और प्रोटोटाइप में जाकर हम इन स्क्रीन्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करना भी बहुत ही इजी है, जस्ट आपको यहां इसको सेलेक्ट करना है, होम पे मैंने क्लिक किया, और आप देख रहे हैं एक आइकन आ गया है
न्यू कार्ड्स के ऊपर। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो एक एरो आ गया है, इसको ले जाके मैं न्यू कार्ड से अटैच कर दूंगा। सिमिलरली मैं इलेक्ट्रिक कार्स वाले टैब में मैंने जब क्लिक करा तो अगेन वो आइकन आ गया और अब मैं इसको ले जाके इलेक्ट्रिक कार से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये इनके कनेक्शन बन रहे हैं। सिमिलरली अब यूज कार्स का बचा तो वहां पर क्लिक करा मैंने, होम पे जाके यूज कार्स, सिमिलरली यूज कार्स का भी हम इस तरह से अटैच कर देंगे यूज कार से। तो अब यहां पे इनके कनेक्शंस बन चुके हैं। और अब आप अपनी फाइल को सेव भी कर सकते हैं। भाई मेन्यू आइकन पे जाके आपने इसको सेव करना है क्लाउड में तो आप सेव एज कर सकते हैं, ऑलरेडी सेव कर रखा है तो यहाँ कंट्रोल ऐसे सेव कर सकते हैं, या फिर लोकल डॉक्यूमेंट की तरह करना है आपको अपनी हार्ड ड्राइव में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ इसको आप नाम देंगे और सेव कर देंगे, जैसे कि इसको नाम देते हैं कार्स प्रोटोटाइप 2 और सेव कर देंगे। और शेयर पर जब आते हैं तो देखते हैं कि ये राइट वाली जो विंडो है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जिसके अंदर आपका लिंक का ऑप्शन है, व्यू सेटिंग और लिंक एक्सेस। यहां पर आपसे ये पूछेगा कि व्यू सेटिंग में आपने डिजाइन रिव्यू के लिए आगे सेंड करना है, डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन, यूजर टेस्टिंग या कस्टम। तो लेट्स से अभी हमें डिजाइन रिव्यू के लिए आगे सेंड करना चाहते हैं तो इसी को सिलेक्ट करते हैं। और लिंक एक्सेस में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जो कि है ओनली इन्वाइटेड पीपल, एनीवन विद द लिंक और एनीवन विद पासवर्ड। हमें सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं बनाना है और किसी से भी अगर आप करना चाहते हैं तो एनीवन विद लिंक करेंगे। और एट टाइम्स कह रहता है कि आपको जस्ट कुछ पर्सन है जो कि आपकी टीम में है उनसे ही आपको चेक करवाना है तो आप ओनली इन्वाइटेड पीपल करके क्रिएट लिंक कर सकते हैं। यहां इसने लिंक को क्रिएट करने के साथ अब आपसे पूछेगा कि आपको किस सबको ये आगे भेजना है। तो यहां पर आप उनकी ईमेल आईडी जो भी होगी उड़ करके कुछ मैसेज है तो वो ऑप्शन टाइप करेंगे और साथ ही आपको यहां पर ऑप्शन भी आ रहा है कि वो पर्सन इसको उससे आपने सिर्फ शेयर करना है कि सब कुछ वो इसमें कर सके या फिर सिर्फ वो इसको देख सके ओनली व्यू, और उसके बाद आप उसको इन्वाइट पे भेज देंगे। तो इस तरह से ये शेयर हो जाएगा। और साथ ही आप देख रहे हैं कि यहां पर एक लिंक भी इसने क्रिएट कर दिया है तो आप जस्ट इस लिंक को भी कॉपी करके, यहां से कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी आपने लिंक करके इसको अपडेट कर सकते हैं जिससे अपडेट हो जाएगा और आप जस्ट ये लिंक किसी से भी शेयर करके आगे उस तक अपना ये प्रोटोटाइप भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहे। और अगर इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर या किसी और सॉफ्टवेयर पर वीडियोस बनाएं तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।